अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैं बाहर जा रही हूँ मार्केटिंग के लिए, वहाँ से क्या क्या लेकर के आई हूँ वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी अभी तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट खाने के लिए। ऑलरेडी सबको दे चुकी हूँ, बच्चे लोग स्कूल जा चुके हैं, अब मुझे अपने लिए बनाना है। पहले ब्रेकफास्ट बना के खा के, और ब्रेकफास्ट में आज क्या बना रही हूँ वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को, और क्या लेकर के आई हूँ वो भी दिखाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए गरम गरम पराठा बनाने के लिए। सबको ऑलरेडी मैं नाश्ता दे चुकी थी, और मेरा पराठा ठंडा हो जाएगा इसलिए मैंने अपने लिए नहीं बनाया था। मेरा पराठा रेडी हो गया है, और ये है आज का मेरा नाश्ता, आलू की सब्जी और पराठा। मैं काम सब ख़त्म करके आ गई हूँ, और मुझे एम्ब्रॉयडरी चैनल के लिए भी एक रिक्वेस्ट आया है, वो डिज़ाइन आप लोगों को दिखाती हूँ। उस डिज़ाइन को मुझे थोड़ा चेंज करना है, सेम डिटो मैं कॉपी नहीं करूँगी। वो डिज़ाइन पिनइंटरेस्ट से लिया गया है, वहाँ पे भी मेरा अकाउंट है, और इंस्टाग्राम, ये दोनों पे ये डिज़ाइन आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए कि जब भी कोई वीडियो डालूँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। चलिए पहले डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये डिज़ाइन है वो, इसमें थोड़ा सा मैं मिरर ज़्यादा डाल दूँगी। और मैं लास्ट की वीडियो में बताई थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ सामान लाना है मुझे, दिखाती हूँ क्या क्या लेकर के आई हूँ मैं। ये मैं पिंक कलर का प्लेन क्लॉथ लेकर के आई हूँ, इस पर एम्ब्रॉयडरी करना है मुझे। ये कट पीस में मुझे मिला, ज़्यादातर अगर कट पीस में 2 मीटर या 2.5 मीटर्स का रहता है तो मैं उसे ज़रूर लेकर के आ जाती हूँ। अब इस पे मिरर वर्क करूँगी या कच वर्क करूँगी ये अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, डिज़ाइन भी डिसाइड नहीं किया है। ये मैंने पाइपिंग वाला थ्रेड लाया है, ख़त्म तो नहीं हुआ था लेकिन जब मार्केट गए तो फिर उठा के ले आती कि फिर ज़रूरत पड़े बीच में तो दिक्कत नहीं होना। और ये 1/2 इंच का मैंने इलास्टिक लिया है। और ये मैंने फुल बंडल लिया है इलास्टिक का, अभी पैंट है या प्लाजो है सब में डालने के लिए चाहिए होता है। और ये मैंने फ्यूजन पेपर का बंडल लिया है, कॉलर नेक पे बनाने के लिए चाहिए होता है, या फिर नॉर्मल भी नेक बनाने के लिए फिनिशिंग उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और ये है, ये भी स्टिचिंग का ही सामान सब है, फिर लेने के लिए कुछ और जाओ जो दिखता है उसको सब उठा के ले आओ, फिर जाना होता नहीं है। ये चौक है, ये पहली बार मैं ऐसा क्वालिटी का देखी मैं।
और अदर दूसरे तरह का जो चॉक लेकर के आती हूँ तो वो ज़्यादा जल्दी ही ख़राब हो जाता है। मैं बोली थोड़ा अच्छी क्वालिटी का आप दिखाओ मुझे, तो ये मुझे दिखाया। और ये है मेरा पुश बटन, और यहाँ पे ये सब है, थ्रेड सब है। ये मैं किसी वीडियो में देखी थी, क्लॉथ पे ऐसे करके निशान डालने का। तो अब इसको लाई हूँ, ट्राई करके देखूँगी कैसा होता है। बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा है उसको अवॉइड कीजिएगा। ये है रेड कलर का थ्रेड, ये है वाइट कलर का थ्रेड, ये है ऑरेंज कलर, ये है येलो कलर, ये है ऑफ वाइट, ये है वाइट, ये भी ऑफ वाइट ही दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में वो वाइट है। ये भी ऑरेंज ही कलर का है, डार्क ऑरेंज। ये है पिंक कलर, जो सेम मेरा क्लॉथ है उसी कलर कलर का है। और ये है ब्लैक कलर। और यहाँ पे मैंने लिया है ये सब बॉबिन, ये बॉबिन भी मैंने लिया है। अब इसको क्या बोलते पता नहीं मुझे, सब में थ्रेड को डालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर का थ्रेड है तो आपका टाइम बचता है मशीन पे। अभी हो गया इवनिंग का टाइम, मैं जा रही हूँ कुछ क्लॉथ को कट कर लेने। अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, ये फ्री टाइम है मेरा, तो सोचा कि थोड़ा जो क्लॉथ है कट करके छोड़ दूँगी, फिर जब टाइम मिलेगा तो इसको स्टिच करती चली जाऊँगी मैं।
अब मैं मेरे वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।